के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कभी बीजेपी के नेता का बेटा होता या बेटी होती तो ये कभी स्कैम नहीं होता। क्या इसमें कोई क्या रविंदर राणा, दविंदर सिंह राणा या फिर कविंदर गुप्ता, क्या उनके बच्चे जितेंद्र सिंह की बेटी जहाँ बेटा है कोई इसमें? इसमें आम लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, क्या ये बेटियाँ नहीं हैं? भाजपा के पास सिर्फ तीन ही बेटियों की बात करते हैं, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, वसुंधरा राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे की बात करते हैं, और जहाँ पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो उनकी बात करते हैं, बाकी जो गरीबों की बच्चियाँ हैं जो आज रोडों पर परेशान हैं। आज चीज़ बताएं, जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो बड़े चिल्ला चिल्ला के आप भी कहते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि मैं उनके साथ जाकर वहाँ पर उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊँ? देखिए जाफर जी, हम नौजवानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। क्यों आपने कहा कि हम नौजवानों के साथ खड़े हैं? सोशल मीडिया पर आप नौजवानों के साथ खड़े हैं या ज़मीनी सतह पर खड़े हैं? हम ज़मीनी सतह पर खड़े हैं। भाजपा ने तो जम्मू कश्मीर को नर्क बना दिया है, देश को नर्क बना दिया है, जिस देश में कफन के ऊपर टैक्स लग रहा है। आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उम्मीद कर सकते हो किस देश कहाँ की जा रहा है? हमारा नौजवान जो है रोडों पे है भाई, शर्म करो आप लोग। आप लोगों की सरकार है, आप किसकी बात कर रहे हो? LG आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, क्वेश्चन पेपर आप भेज रहे हो। मैं कैमरा ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अगर CBI की इंक्वायरी होगी, जे क्या सही पे, तो सबसे पहले भाजपा के बड़े बड़े लीडर, एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA, DDC, BDC, जब तमाम बड़े बड़े लीडर, उनका नाम आएगा। मैं जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की बात करें या जम्मू और कश्मीर के मुलाजमीन की बात करें, सभी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि हमारे मसाइल की ओर तवज्जो दी जाए। लेकिन क्या मजाल के जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया या मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार इन लोगों के मसाइल की ओर तवज्जो दे? मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें MG नरेगा एम्प्लाइज़ की, जो BJP ऑफिस के बाहर पिछले 25 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की बात करें तो 12 दिन से प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, वहीं कश्मीर वाले प्रेस इनक्लेव कश्मीर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ अभी बोधराज शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स? दो दो साल उन्होंने मेहनतें की, उसके बाद जो है जब बारी आई के सिलेक्शन लिस्ट की, जब बारी आई तो उन्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जबर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने एक मजाक बना के रखा हुआ है, कोई भी पेपर होता है उसमें स्कैम, अगर ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कभी BJP के नेता का बेटा होता या बेटी होती तो ये कभी स्कैम नहीं होता। क्या इसमें कोई क्या रविंदर राणा, दविंदर सिंह राणा या फिर कविंदर गुप्ता, क्या उनके बच्चे जितेंद्र सिंह की बेटी जहाँ बेटा है कोई इसमें? इसमें आम लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ये गरीबों के साथ हमेशा धोखा करते हैं। और ये भाजपा जो हमारे नौजवानों को नोच नोच के खाती है ना, मैं पहले ही कहता हूँ ये भाजपा नहीं है, BJP उस पार्टी का नाम है, भारत की जनता को नोच नोच के खाती है। आप इस पर ये कहते हैं कि उम्मीद लगाए हैं कि ये आपका इंसाफ करेंगे? मैं तो जाफर जी आपके चैनल की माध्यम से कहता हूँ, अब वक्त आ चुका है नौजवानों को रोडों पे आना। जे बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसमें ये बेटियाँ नहीं हैं? क्या जो अभी प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, क्या ये बेटियाँ नहीं हैं? भाजपा के पास सिर्फ तीन ही बेटियों की बात करते हैं, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, वसुंधरा राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे की बात करते हैं, और जहाँ पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो उनकी बात करते हैं, बाकी जो गरीबों की बच्चियाँ हैं जो आज रोडों पे परेशान हैं, आज घरों में किचन में हमारी जो माए बहनें हैं वो परेशान हैं, महंगाई की को लेके, आज किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। मैं पहले कहता हूँ कि भाजपा के जो हाथी के दांत जो दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं, ये भाजपा की ये नीति है। नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताएं, जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो बड़े चिल्ला चिल्ला के आप भी कहते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि मैं उनके साथ जाकर वहाँ पर उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊँ? देखिए जाफर जी, हम नौजवानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ हैं, खड़े हैं। हमने जब जैसे GST लागू किया था, ये भाजपा की केंद्र सरकार ने, इन्होंने तो क्या कफनों पर भी GST लगा दिया। बड़ी शर्म की बात है, जब बंदा मरता है ना
उसके बाद उसको कफन दिया जाता है, तो उनके ऊपर भी GST लगा दिया। जो 20 रुपये लगते थे आज नकल लेने में, आज 500 रुपया लग रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हर जगह करप्शन, आपने देखा JKSI में करप्शन, फाइनेंस अकाउंट में करप्शन। आप मुझे एक भी पिछले 8 साल का पेपर बता दीजिए जो पेपर हुआ है उसमें करप्शन ना हुई हो। क्या आज जो मीडिया की नौजवान, आप जैसे नौजवान हैं, क्या वो परेशान नहीं है? मीडिया में जो हमारी बहनें हैं, क्या वो बेटी नहीं है? क्या उसकी किसी तक आए तक किसी ने बात की? लेकिन उनके पास भाजपा के पास सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 ही बेटियां हैं, द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ये राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई। आपने कहा कि हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, सोशल मीडिया पर आप नौजवानों के साथ खड़े हैं या जमीनी सतह पर खड़े हैं? हम जमीनी सतह पर खड़े हैं जाफर जी। आने वाले समय में हर घर में, अभी देखिए कि आपको किसी भी घर में जाओगे तो 1 या 2 नौजवान बेरोजगार मिलेगा। ये 2008 में है, 8 के बाद देखिए ना, 2014 के बाद, पिछले 8 साल की बात कर रहा हूँ, 8 साल में इतनी बेरोजगारी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, इतनी बेरोजगारी होगी है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? भाजपा की देन है। आज दिन आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट, आंगनबाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट पे, आशा वर्कर प्रोटेस्ट पे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले प्रोटेस्ट पे, JKASI वाले प्रोटेस्ट पे। भाई ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं नजर आ रहा है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, इनको लखनपुर के पार ही छोड़ेंगे। मैंने पहले भी, आम आदमी पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी नहीं, जनता इनको लखनपुर के पार करेगी। भाजपा को जनता लखनपुर के पार करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आने वाली सरकार जो होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। तब इलेक्शन कभी, इलेक्शन के लिए जो है कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो जम्मू और कश्मीर में तो आम आदमी पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिट जो था वो डिसॉल्व कर दिया गया। देखिए आपको बड़ी जल्दी ये जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन पूरा प्रॉपर तैयार मिलेगा, क्योंकि हमारा वर्ग जो काम है वो चल रहा है। बड़ी जल्दी आपको एक हफ्ते के बीच मुझे लगता है कि हमारा संगठन बन जाएगा, और उसके बाद हम तो ऑलरेडी तैयार हैं, हर जगह पे तैयार हैं, ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन को एक शक्ल देनी है। वो शक्ल आपको 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो मिल जाएगी, उसके बाद भाजपा जम्मू कश्मीर में दिखेगी नहीं। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, भाजपा जम्मू और कश्मीर में दिखेगी नहीं? बिल्कुल नहीं दिखेगी जबर जी, मैं ऑन कैमरा गार्ड कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाजपा की आने वाले समय में वो हालत होगी, क्योंकि भाजपा ने तो जम्मू कश्मीर को नर्क बना दिया है, देश को नर्क बना दिया है, जिस देश में कफन के ऊपर टैक्स लग रहा है। आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उम्मीद कर सकते हो किस देश कहाँ की जा रहा है? हमारा नौजवान जो है रोडों पर है, नौजवान हमेशा नौजवानों की जगह है ना, वो अच्छे दफ्तरों में है, अच्छे ऑफिसों में है, लेकिन ये जैसे कोई कहता है ना, कोई मुर्गा मार के खाता है उसको क्या बोलते हैं, चिकन बाल्टी बोलते हैं, जो बकरा मार के खाता है उसको मटर पार्टी बोलते हैं, जो भारत की जनता को नोच नोच के खाता है वो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है आज हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले नौजवानों को नोच नोच के खा रही है, JKSI वालों को नोच नोच के खा रही है, हमारे मजदूरों को नोच नोच के खा रही है, किसानों को नोच नोच के खा रही है। आने वाले समय में ये नौजवान साथी, इनके परिवार वाले, इनके दोस्त, इनके चाहने वाले, जो असली देशभक्त है, वो भाजपा को जहाँ से भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, देश तब तरक्की करेगा। मैं जाफर जी आपके चैनल के माध्यम से कहते जाता हूँ, भाजपा ऑफिस के बाहर MG नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ पिछले 25 दिनों से बैठा है, और आप जानते ही हैं बारिशें लगातार हो रही हैं, जिस दिन धूप निकले उस दिन इतनी गर्मी होती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या भाजपा के लीडरों को उनके मसाइल हल नहीं करने चाहिए थे? क्या जम्मू और कश्मीर के इंतजामिया को उनके मसाइल की ओर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जबर जी ये बड़े दुख से क्या कहना पड़ रहा है कि 25 दिन जो भाजपा के कार्यालय के बाहर हमारे नौजवान साथी धरने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठे हैं, पहले भी सरकारें थी। अब बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, जो भाजपा के लीडर बातें करते हैं। अभी तो मैं पिछले दिन सुन रहा था कि श्यामलाल जी अपने इलाके में बात कर रहे थे, 25-25 लाख का क्वेश्चन पेपर ले लो, 25-25 लाख का क्वेश्चन पेपर ले लो। भाई शर्म करो आप लोग, आप लोगों की सरकार है, आप किसकी बात कर रहे हो? LG आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, क्वेश्चन पेपर आप भेज रहे हो। मैं कैमरा ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अगर CBI की इंक्वायरी होगी, अगर CBI की इंक्वायरी होगी JKSI पे, तो सबसे पहले भाजपा के बड़े बड़े लीडर एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA, DDC, BDC या तमाम बड़े बड़े लीडर, उनका नाम आएगा। मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन जे इन्होंने तो एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आज अगर जे आप देखें, भाजपा के वक्त में ही इतने इतने बड़े स्कैम क्यों? भाजपा, क्योंकि भाजपा
पैसे के चक्कर में है। अगर भाजपा ने पैसे नहीं लूटे होते आज बड़े बड़े फाइव स्टार होटल जैसे ऑफिस नहीं बनते। बाकी पार्टियां भी यहाँ रही हैं, बाकी पार्टियों का ऑफिस मुझे ऐसा बता दें कोई, जब बाकी आप और भी तो लोग हैं किराए पे लोग ऑफिस में बनाए हुए बैठे हुए हैं। इन्होंने तो बड़े बड़े फाइव स्टार हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। ये तो भाजपा यही तो निशानी है करप्शन की। सबसे बड़ी लूट पिछले 8 साल में हुई है, भाजपा की वजह से हुई है, भाजपा के कारण हुई है, भाजपा ने की है, मिलके की है। मैं जान के अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आने वाले समय में जनता एक एक रुपये का हिसाब लेगी, एक एक का। अब देश के वो हालात बन चुके हैं जो हालात श्रीलंका में बन गए हैं ना, वो आने वाले समय में हमारे देश में भी बन सकते हैं, इसका खतरा है। और भाजपा के लीडरों को दुड़ा दुड़ा के लोग मारेंगे, ये दिखेंगे नहीं ग्राउंड में, नहीं दिखेंगे, ये इनको बिल में छपना पड़ेगा तब जाके लोग छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हो, हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की सरकार होगी। और आम आदमी पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकार है, चाहे पंजाब के अंदर है, पंजाब के तो अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, अब 15 अगस्त के दिन बाद आप जो 75 हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं हम वो खोलने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी जो सरकार है इतना कोई फ्री देने के बावजूद भी अभी बढ़िया बेनिफिट में मुनाफे में चल रही है। ये है असली ईमानदारी की सोच। ईमानदार पार्टी उसी को कहते हैं जो देश के हित में काम करे, मां भारती की रक्षा करे, मां भारती के साथ चले, मां भारती की सेवा करने का ये बात है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बोधराज शर्मा जी थे हमारे साथ, मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।